हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कॉम्पिटिशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, और इसमें जो भी क्वेश्चन आपके सामने आए हैं सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बहुत ही सुंदर और आसान तरीके से सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है चैप्टर नंबर 11 टाइम एंड वर्क, जो कि बहुत ही सुपर बेस्ट टॉपिक है। हर एग्जाम में इस टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए देख लेते हैं इस तरह के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कैसे आसान बनता है। क्वेश्चन नंबर 63 से, ए और बी किसी कार्य को 9 दिन और 12 दिनों में कर सकते हैं। देखिए, ए 9 दिनों में और बी उसे 12 दिनों में कर सकता है। दोनों की अलग अलग सामर्थ्य होगी, दोनों का समय अलग अलग है। एक कार्य शुरू करता है और वे एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। देखिए, एक एक दिन छोड़कर बारी बारी कार्य करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बहुत ही प्यारा, सुंदर, आसान होता है। देखिए कैसे होता है, यहाँ पर दी गई संख्याओं का एलसीएम होगा हमारा 36 हमारा एलसीएम है, यही टोटल कार्य को रिप्रेजेंट करता है। अब यूँ देखेंगे कि ए एक दिन में कितना कार्य कर सकता है, कितना यूनिट कार्य करेगा, 9 × 36 चार यूनिट, बी करेगा 12 × 36 तीन यूनिट। तो ए एक दिन में चार यूनिट या चार इफिशेंसी और बी तीन यूनिट कार्य करता है, या तीन इफिशेंसी कह सकते हैं। वे इस कार्य को करने में कितना समय लेंगे, यानी कितने दिन लेंगे, जबकि ये बारी बारी करते हैं। बारी बारी कैसे, जैसे पहले कार्य पर ए जाता है, फिर अगले दिन बी जाता है, फिर शुरू से ये हो जाता है, फिर बी जाता है, ऐसे ऐसे बारी बारी कार्य करते हैं। तो इस प्रकार बारी बारी कार्य करने वाले क्वेश्चनों को बहुत आसान तरीके से करेंगे। देखिए, पहले दिन ए ने चार यूनिट कार्य करा, दूसरे दिन बी ने तीन यूनिट कार्य किया, तो दो दिनों में 4 × 3 = 7 ऐसे लिखेंगे। दो डेज में 7 यूनिट कार्य होता है, टोटल यूनिट कार्य है हमारा 36, तो 36 को 7 से भाग करेंगे, 7 × 5 = 35 पांच चक्कर लगते हैं ऐसे। देखिए, दोनों का एक बार राउंड लग जाता है, एक एक बार यो एक चक्कर हो जाता है, फिर यो एक चक्कर ऐसे, तो 5 × 2 = 10 देखिए, एक चक्कर में 2 दिन लगते हैं, 5 × 5 = 10 दस डेज में कितना यूनिट हुआ, 7 × 5 = 35 यूनिट कार्य हुआ। शेष यूनिट कितना रह गया, एक, उसे एक से इस एक यूनिट को फिर ए से स्टार्ट हो जाता है। ए एक दिन में 4 यूनिट करता है, तो 1 यूनिट करने में उसे 1/4 दिन लगेंगे, तो टोटल समय लगा 10 × 1/4 दिन और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। 10 × 1/4 दिन ऑप्शन सी इज राइट। चेक करिए आप, ऐसे सभी बारी बारी वाले क्वेश्चनों का सॉल्यूशन होगा। ए किसी कार्य को 12 दिनों में, देखिए ए किसी कार्य को 12 दिनों में और बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, यदि वे बी से कार्य स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस बार बी से कार्य शुरू होगा, पहले वाले क्वेश्चन में कार्य ए से शुरू हो रहा था, यहाँ पर बी से शुरू होता है। देखो, ए कार्य शुरू करता है, लेकिन यहाँ पर बी से कार्य शुरू होता है, ध्यान रखना चाहिए, ये पॉइंट की बात है। और एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, दी गई संख्या होगा, एलसीएम ले लेंगे 60, बी 12 × 5 = 60 और 20 × 3 = 60। तो हमने देखा दो डेज में 5 × 3 = 8 यूनिट कार्य हुआ है, जबकि टोटल कार्य हमारा 60 यूनिट है, तो 8 से भाग करेंगे, 8 × 56 7 × 2 = 14 डेज, तो ये हो गया हमारा कार्य, 7 × 56 यूनिट कार्य हुआ। शेष यूनिट बचा 4, शेष 8 × 56 चार यूनिट शेष कार्य बचा। अब देखिए, बी से कार्य शुरू होता है, तो बी एक दिन में 3 यूनिट करता है, तो 4 को करने में 3 × 3 एक दिन लगाइए, और शेष कितना रह गया, फिर 1 यूनिट। अब इसे 1 यूनिट को बी करेगा, वो ए करेगा, क्योंकि बी से तो कार्य शुरू होगा, बचा हुआ ए करेगा। ए एक दिन में 5 यूनिट करता है, तो 1 यूनिट को करने में 1/5 दिन लगेंगे, तो अब टोटल समय देखना है।
देखो 14 दिन ये हो गए, एक दिन ये होगा 15 और ये हो गया, तो हम कह सकते हैं 15 से ही 1/5 दिन कुल कार्य करने में समय लगा, 15 से ही 1/5 दिन, 15 से ही 1/5 दिन ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, देखिए क्वेश्चन नंबर 65, दो व्यक्ति कुलदीप और अग्रकर अलग अलग काम करते हुए, देखिए कुलदीप और अग्रकर अलग अलग काम करते हुए एक के बाद एक 8 और 12 घंटे में एक खेत में सबसे बड़ी फसल काटते हैं, 8 और 12 घंटे में अलग अलग जाकर सबसे बड़ी फसल काटते हैं, जिसमें कुलदीप सुबह 9 बजे से काम शुरू करता है कुलदीप, और फसल कितने समय में कट जाएगी, देखिए बारी बारी कुलदीप से कार्य स्टार्ट होगा, यहाँ पर 8 12 का एलसीएम आ जाएगा 24 आएगा, 8 3 24 12 2 24। अब देखिए पहले घंटे ये 3 यूनिट, दूसरे घंटे ये 2 यूनिट, तो इसका मतलब 2 आवर्स में 5 यूनिट कार्य कंप्लीट हो जाता है, 3 और 2 5, टोटल हमारा कार्य है 24 यूनिट, 24 को 5 से भाग करेंगे 5 24 4 2 8 आवर, देखिए 8 आवर्स तो ये हो गए हमारे, 4 2 8 चार शेष यूनिट रह गया, शेष 4 यूनिट रह गया, शेष 4 5 24 4 रह गया, फिर यहाँ पर ए कुलदीप कार्य शुरू करता है, 3 यूनिट करता है पहले दिन, तो एक दिन लगता है इसे 3 यूनिट करने में, शेष फिर यहाँ से 1 यूनिट बचता है, फिर अग्रकर की बारी आती है, ये 2 यूनिट करता है तो समय यही लगेगा, तो अब हम टोटल समय काउंट करेंगे, यहाँ 1 घंटा है, ये 8 घंटे ये, 1 ये 9, 9.5 घंटे हो गए, 9.5 आवर्स। अब सुबह वे 9 बजे काम पर लगे थे, तो 9.5 घंटे बाद क्या समय रहा होगा ये बताना, तो देखिए सुबह 9 बजे से और 9 घंटे हमारा, 9 के बाद 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटे बैठते हैं और आधा घंटा ये, यानी कि 6 बजे बनता है, तो सुबह 9 बजे से 9.5 घंटे तक अगर हम चले तो 6:30 बजे टाइम होता है, 6:30 का समय होता है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, 6:30, ऑप्शन बी इज राइट। अब क्वेश्चन आता है 66, पी क्यू आर एक कार्य को अकेले अकेले पी क्यू आर 10, 15 और 30 घंटों में अकेले अकेले कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर इनका एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम आता है 10, 15, 30 का एलसीएम 30 आ गया, 10 तीय 30, 15 दूनी 30, 30 एकम 30, क्लियर। अब देखो अब है नॉलेज की बात, पी प्रतिदिन काम करता है और काम के पहले दिन से आरंभ करते हुए क्यू और आर दोनों पी के साथ वैकल्पिक दिनों के साथ हिसाब से काम करते हैं, कैसे करते हैं देखिए, पी के साथ क्यू और आर आया पहले दिन, दूसरे दिन पी अकेले ने किया, फिर तीसरे दिन पी के साथ क्यू और आर आए, ऐसे कार्य चलता रहता है, क्लियर है। तो देखिए पहले दिन पी क्यू आर का 6 यूनिट है और दूसरे दिन पी का 3 यूनिट है, तो दो दिनों में दो ये है दिन, हाँ दिन चल रहे हैं ना, 2 डेज में कितना यूनिट कार्य होता है, 6 3 9, 9 यूनिट कार्य होता है, टोटल कार्य हमारा 30 है, 30 को 9 से भाग देंगे, 9 3 27, 3 9 6 डेज हो गए, और शेष यूनिट कितना रह गया, 9 3 27, 3 यूनिट शेष रह गया, फिर यही करेंगे, ये पी क्यू आर 6 से भाग करेंगे, 3 निगम 3 2 6, आधा दिन लगता है इसमें, आधा दिन, कुल समय कितना लगा, 6 दिन ये, आधा ये, 6.5 दिन, 6.5 दिनों में कार्य समाप्त होता है इस प्रकार, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 67,
देखिए क्वेश्चन नंबर 67, ए बी सी ए कार्य को क्रम से, ए बी और सी ए कार्य को क्रम से 20, 30 और 60 दिनों में कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनके दिनों की संख्या होगा एलसीएम आ जाएगा 60, 20 30 60, ये तीन यूनिट करेगा, बी करेगा 30 दूनी 60 दो यूनिट, 60 एकम 60 एक यूनिट, सी करता है। आगे बढ़ेंगे, ए प्रतिदिन कार्य करता है, ए प्रतिदिन, फिर बी सभी विषम संख्या वाले दिनों में ए की सहायता करता है, यानी पहला दिन तो विषम संख्या होती है, दूसरा दिन सम संख्या होती है। इसका मतलब पहले दिन ए के साथ बी आएगा, पहले दिन ए के साथ बी, दूसरे दिन ए के साथ सी आएगा काम करने। तो ए की कार्य क्षमता 3, बी की 2, 5 दिन, मतलब 5 यूनिट होगा पहले दिन कार्य, दूसरे दिन ए की 3 और सी की 1, दूसरे दिन 4 यूनिट कार्य होगा। तो दो दिनों में, दो डेज में कितना यूनिट, 5 4 9 यूनिट, 9 यूनिट कार्य होता है। कार्य है हमारा 60 यूनिट, तो 9 से भाग करेंगे, 9 6 54 6 दुनी 12 दिन, तो ये हो गया हमारा 9 6 54 6 शेष बचा है, देखिए शेष 6 बचा, शेष 6, 6 को 5 से भाग करेंगे, एक दिन ये लगेगा यहाँ पर, एक दिन ये हो जाएगा, तो 12 और एक दिन ये हो जाएगा 13, और शेष एक यूनिट रह गया काम, उस एक यूनिट को ए और सी करेंगे, ए और सी की 4 है, 4 से भाग, तो टोटल समय होगा 12 दिन ये, एक ये 13 दिन, तो ये हो गए, और प्लस एक चौथा ये हो गया, 13 से एक बटे 4 दिन कंप्लीट लगेंगे, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, 13 से एक बटे 4 डेज, 13 से एक बटे 4 ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आता है 68, एक साड़ी, ए एक साड़ी को 11 दिनों में, बी उसे 20 दिनों में और सी उसे 55 दिनों में टेंट कर सकता है, कार्य पूरा होने तक प्रत्येक विषम संख्या वाले दिन, यानी कि पहले ए के साथ बी आया ये विषम हो गया, फिर ए के साथ सी आया ये सम हो गया, बी द्वारा ए की सहायता, और फिर अगले दिन सम संख्या वाले दिन सी द्वारा ए की सहायता की जाती है, कार्य करने में कितना समय लगा। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर इनकी संख्या होगा एलसीएम लेंगे 220 आ जाएगा, 11 दुनी 22 2 0 20 बार, और 0 से 0 ये 11 बार और ये 4 बार। अब आप देखिए पहले दिन ए के साथ बी आया, ये 31 यूनिट हो गई पहले दिन, दूसरे दिन ए के साथ सी आया 20 4 24 यूनिट हो गई, तो दो दिनों में उनकी यूनिट हो गई 55 यूनिट हो गई दो डेज में। तो आप कहिए सर दो डेज में 55 यूनिट हुआ, दो डेज में, और टोटल यूनिट है हमारा कितना 220, 55 से हम इसे भाग करेंगे, 5 चौक 20 चार चक्कर लगेंगे, 4 दुनिया 8, 8 डेज में कार्य समाप्त होगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 8 दिन, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 8 दिन ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 69, देखिए क्वेश्चन नंबर 69, ए बी सी किसी कार्य को 20 30 और 60 दिनों में करते हैं, ए बी सी 20 30 और 60 दिनों में कर सकते हैं, तो उनके दिनों की संख्याओं का एलसीएम आ जाएगा 60। क्लियर, पहले दिन ए जाता है तो 20 30 60 तीन यूनिट करेगा, 30 दुनी 60 दो यूनिट, और सी करेगा एक यूनिट। क्लियर है, अब काम करने का तरीका देखना कैसे है। यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता करता है, कैसे, पहले दो दिनों लो ए ने किया काम, फिर तीसरे दिन ए के साथ बी और सी आ जाता है, देखिए ये तीसरा दिन, पहला दिन दूसरा दिन, तो तीन दिनों का एक चक्कर लगता है, पहले दिन
ए ने 3 यूनिट काम करता है, दूसरे भी दिन 3 और तीसरे दिन 3 हो जाते हैं, 3, 2, 5 और 1, 6, अर्थात 3 डेज में कितना कार्य होता है, 3 डेज में 6, 3, 9, 3, 12 यूनिट कार्य होता है, टोटल कार्य है 60, तो 12 से भाग करेंगे, 12 × 5 = 60, 5 × 3 = 15, 15 डेज लगेंगे टोटल कार्य करने में। आंसर आ गया ऑप्शन ए इज राइट, 15 दिन। क्लियर। अब क्वेश्चन आता है 70, इसको भी ऐसे ही करेंगे। देखिए एक्स वाई जेड 30 दिन, 45 दिन और 90 दिनों में कार्य कर सकते हैं, तो यहाँ पर उनके दिनों की संख्याओं का एलसीएम आ गया 90। एक्स 30 × 90 3 यूनिट, वाई 45 × 90 2 यूनिट और जेड 90 × 90 1 यूनिट कार्य करता है। अब काम कैसे करते हैं, वाई तथा जेड मिलकर हर दूसरे दिन, यानी कि पहले दिन एक्स जाएगा, दूसरे दिन एक्स के साथ वाई और जेड मिलकर काम करेगा। ऐसे पहले दिन एक्स 3 यूनिट, दूसरे दिन 3, 3, 2, 5 और 1, 6 यूनिट, यानी कि दो डेज में 9 यूनिट कार्य होता है, 6, 3, 9 यूनिट कार्य होता है और टोटल कार्य है 90। 9 से भाग करेंगे, 9 × 2 = 90, 10 × 2 = 20, 20 दिन में काम कंप्लीट होगा और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, 20 दिन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 20 दिन राइट। क्वेश्चन नंबर 71, देखिए बहुत ही सुपर और बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने होगा। एक किसी कार्य का 33 से 1/3% भाग 10 दिनों में करता है। देखिए ए 33 से 1/3% भाग होता है 1/3, यानी कि 33 से 1/3% फ्रैक्शन का जो परसेंटेज का जो भाग फ्रैक्शन में होता है वो 1/3 होता है। कैसे होता है आप जानते हैं, 33 × 99 = 100, 3% का 100, 100 से 100 काटा एक बार, 1/3, देखिए ऐसे होता है 1/3, तो इसीलिए हमने आपके लिए डायरेक्ट लिख दिया है ये 1/3। तो ए 1/3 भाग 10 दिनों में करता है, पूरा भाग करेगा ये 10 × 30 दिनों में, यानी पूरा काम ए अगर करने लगे है तो वह पूरे काम को 30 दिनों में समाप्त कर देता है। बी उसी कार्य का 1/4 भाग, मतलब 1/4 भाग 30 दिनों में करता है, तो पूरा काम करेगा 30 × 4 = 120 दिनों में। क्लियर। अब देखो ए बी सी मिलकर समान कार्य को 12 दिनों में करते हैं, ए बी और सी मिलकर समान कार्य को 12 दिनों में करते हैं। ए प्रत्येक दिन काम करता है तथा बी और सी एक दिन छोड़कर उसकी सहायता करते हैं, मतलब ऐसे कर रहे हैं, ए प्रत्येक दिन काम करता है तथा बी और सी, पहले दिन इसके साथ बी आया, फिर ए के साथ सी आया, इस तरीके से वे काम करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। अब देखिए बहुत आसान सरल है, यहाँ पर दी गई संख्याओं का एलसीएम ले आ जाएगा, इनका एलसीएम आ गया 120, 30 × 4 = 120 और 120 × 120 और 12 × 2 = 120। ए की कार्य करने की क्षमता 4 यूनिट, बी की 1 और तीनों की है 10। अब तीनों की ए बी सी, तीनों की यूनिट में से ए और बी की 5 घटाएंगे तो सी की इफिशेंसी या काम करने की क्षमता 5 आ गई, तो हमें मालूम हो गया ए की हो गई 4, बी की 1, यानी कि दोनों की टोटल हो गई 5, और ए की 4 और सी की 5 टोटल हो गई 9, 4 और 5 = 9। ये इस तरीके इस फॉर्मेट में काम करते हैं, पहले दिन ए बी गया काम करने, दूसरे दिन ए और सी गया, तो 2 डेज में कितना काम हुआ, 2 डेज में 9 और 5 = 14 यूनिट कार्य हुआ, टोटल कार्य है हमारा 120 यूनिट। तो 120 यूनिट को अगर 14 से भाग दें तो 14 × 7 = 98, 112, 8 × 2 = 16 दिनों लोग काम हो गया,
14 शेष यूनिट रह गया 8, शेष यूनिट 8, फिर उसको ए बी मिलकर करेंगे, एक दिन में 5 यूनिट करते हैं, एक दिन लगता है, एक दिन 5, शेष 3 यूनिट रह गया, शेष 3 यूनिट करेंगे ए और सी 9 दिनों में, 3 × 3 = 9, 1/3 दिन ये हो गया, एक दिन ये 16 × 1 = 17 सही, टोटल कार्य हुआ 17 सही 1/3 दिन। देखिए 17 सही 1/3 दिन हमारे कार्य, हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन बी इज राइट, 17 सही 1/3 दिन। देखो बढ़िया स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, देखो अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैग को समझेंगे तो हर क्वेश्चन आसान बनता है। तो क्वेश्चन नंबर आता है 72, देखिए ए अकेले किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, ए 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, और ए बी सी एक साथ कार्य करते हुए 4.5 दिनों में मिलकर दोनों कार्य करते हैं, तीनों 4.5 का मतलब हो गया 9/2, 2 × 8 = 1, 9/2 लिखेंगे। यदि बी कार्य नहीं करता है तो कैसे काम करते हैं, ए तथा सी वैकल्पिक, ए तथा सी, सी से आरंभ करके वैकल्पिक दिनों में कार्य किया जाता है, कैसे किया जाता है, पहले सी से आरंभ होगा और फिर ए से, इस तरह से काम करते हैं वे। तो देखिए यहाँ पर दी गई संख्या होगा एलसीएम होगा 90, 10 × 9 = 90, 15 × 6 = 90, 9 × 2 = 90, 10 × 2 = 20, 2 × 2 की जाएगी, 9 × 2 = 90, 10 × 2 = 20, क्लियर हो गया। अब हमें मालूम हो गया ए एक दिन में 9 यूनिट करेगा, बी 6 यूनिट और तीनों करेंगे 20 यूनिट, 20 में से 9 × 6 = 15 घटाएंगे तो सी करेगा 5 यूनिट, तो यहाँ सी की 5 यूनिट है, ए की 9 यूनिट है, ऐसे। तो हमने देखा दो डेज में कार्य हुआ, 2 डेज में 9 और 5 = 14 यूनिट, टोटल कार्य है हमारा 90 यूनिट, टोटल कार्य है 90 यूनिट, 14 यूनिट कार्य होने में 2 दिन लगते हैं, तो 14 × 6 = 84, 6 × 6 = 12 दिन तो ये हो गए, 14 × 6 = 84, 6 शेष बचा, फिर सी द्वारा भाग दिया जाएगा इसे, सी 5 से, एक दिन ये हुआ, एक मतलब 5 × 5 = 5 यूनिट किया सी ने, 6 में से एक दिन लगा, शेष 1 यूनिट रह गया, उसे ए करेगा, ए एक दिन में 9 यूनिट करता है तो यही दिन हो गया, बस अब समय को जोड़ लीजिए, 12 दिन ये, एक दिन ये 13 और 1/9 दिन ये, तो 13 सही 1/9 दिनों में कार्य समाप्त होगा, 13 सही 1/9 दिनों में कार्य समाप्त होगा, ऑप्शन ए इज राइट। देखो हो गया क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आसान सरल और सिंपल। क्वेश्चन नंबर 73, देखिए क्वेश्चन नंबर 73, कंप्यूटर गेम में एक बिल्डर 10 घंटे में एक दीवार बना सकता है, देखिए ए जो है 10 घंटे में एक दीवार बना सकता है, दूसरा उसे 25 घंटे में नष्ट कर सकता है, दूसरा उसे 25 घंटे में नष्ट कर सकता है, दोनों एक साथ काम करते हैं, देखिए नष्ट के लिए माइनस का चिन्ह प्रयोग किया गया, लेकिन 15 घंटे बाद, दोनों एक साथ काम करते हैं लेकिन 15 घंटे बाद जो दीवार नष्ट करता है उसे हटा दिया जाता है, तो पूरी दीवार बनने में कितना समय लगा, देखिए यहाँ पर दी गई संख्याओं का एलसीएम आएगा 50, 10 × 5 = 50, 5 यूनिट काम करेगा ए एक घंटे में, और ये बी जो है जो दीवार को नष्ट करता है ये 25 × 50 2 यूनिट उसे नष्ट कर देगा, तो इसका मतलब जब ये दोनों एक साथ काम करते हैं तो एक घंटे में 5 में से 2 घटाएंगे 3 यूनिट कार्य होता है, तो उन्होंने 15 घंटे लो काम किया, तो 15 × 3 = 45 यूनिट कार्य हुआ,
45 यूनिट कार्य हुआ, शेष रह गया 5 यूनिट, 50 में से 45 हो गया, शेष 5 यूनिट। अब दूसरा जो है ये हट जाता है तो पहला बिल्डर बचे हुए काम को करता है, एक घंटे में 5 यूनिट करता है तो 5×5 एक घंटा और लगता है बचे हुए काम को करने में। तो कार्य कितने समय में पूरा हुआ, 15 घंटे पहले और एक घंटा बाद में, तो 16 घंटे में कार्य समाप्त हुआ। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर, बहुत ही प्यारा सुंदर सवाल 74। देखिए, पी और क्यू अलग अलग 8 और 16 दिनों में काम कर सकते हैं। पी और क्यू 8 दिन में और क्यू 16 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने कार्य पूरा होने तक एक साथ काम किया, पी और क्यू द्वारा किए गए कार्य का अनुपात। देखिए यहाँ पर दिनों की जो क्षमता होती है उसे उल्टा कर दें तो वह कार्य क्षमता का अनुपात कहलाता है। टाइम का जो रेशो हो वो उल्टा करने पर इफिशेंसी के रेशो में कन्वर्ट हो जाता है। 8×8 8×16 2×1 के रेशो में, तो जो उनके पी और क्यू द्वारा किया गया कार्य है वो 2×1 के अनुपात में होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 2×1 एरर। क्वेश्चन नंबर 75। देखिए क्वेश्चन 75, ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है। ए बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है, ये इनकी इफिशेंसी का रेशो आ गया। यदि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, देखिए ए एक दिन में 3 इफिशेंसी करता है और काम पूरा करता है 12 दिन में, तो एक दिन में 3 करेगा तो 12 दिन में 36 यूनिट कार्य होगा। तो अगर देखा जाए टोटल कार्य 36 यूनिट है, तो 36 यूनिट को बी उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। टोटल कार्य 36 यूनिट है और बी की काम करने की क्षमता एक दिन की 4 है, तो 4 से भाग देंगे, 4×9 36, 9 दिन का समय लेगा। बहुत आसान सिंपल। देखिए ए और बी की काम करने की एफिशिएंसी 3×4 है, ए किसी काम को 12 दिन में करा है और ए कह रहा कि मैं एक दिन में 3 यूनिट काम करूं, तो 12 दिन में 36, इसका मतलब है टोटल कार्य 36 यूनिट है। अब इस 36 यूनिट को बी करेगा कितने दिनों में, बी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, तो 36 यूनिट करने में 4×9 36, 9 दिन लगेंगे। क्लियर, ऑप्शन सी इज राइट। अब क्वेश्चन नंबर आता है 76। देखिए इसको भी ऐसे ही करेंगे, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी जो है ए से 25% अधिक कुशल है, अगर ये 100 है तो ये 125, 25 बन जाए 125 चौका 100, ये इनकी इफिशेंसी आ गई, दोनों की इफिशेंसी का रेशो आ गया। जो दोनों 8 दिनों में करते हैं और यहाँ दोनों 5×9 टोटल यूनिट होगा, टोटल कार्य होगा, टोटल वर्क हो गया 72 यूनिट कार्य हो गया, टोटल 9×72। अब ए अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा, टोटल 72 को ए अकेला 4 से भाग देंगे, 18×4 72 18 दिनों में करेगा। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, बड़ा आसान सिंपल शब्दों में सेम टाइप का क्वेश्चन था, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 77। देखिए क्वेश्चन 77 देखेंगे, सूर्य रम्या की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है। देखिए सूर्य रम्या की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है, ये इनकी इफिशेंसी हो गई दोनों की। और किसी काम को पूरा करने में रम्या द्वारा लिए जाने वाले दिनों की तुलना में वह 40 दिन कम लेता है। देखिए समय इफिशेंसी का उल्टा जब हम करेंगे तो समय का रेशो आ जाएगा 1 और 3, ये इनके समय यानी कि दिनों की संख्याओं का रेशो आ गया। अब सूर्य 40 दिन कम समय ले, यहाँ सूर्य कितना कम समय ले रहा रेशो में, ये रम्या से, ये रम्या 3 और सूर्य 1 के रेशो में समय लेते हैं, तो यहाँ 2 कम समय लेता है, 2 से काटेंगे 40 को, 1 रेशो की वैल्यू आ गई 20। अब हमसे पूछा है यदि वे मिलकर काम करते हैं तो
कितने दिनों में कार्य पूरा होगा। देखिए सूर्य प्लस रम्या अगर काम करते हैं दोनों मिलकर, तो मैंने बताया था ऊपर गुणा नीचे उनका जोड़, इनके समय का एक गुणा तीन बटे में नीचे जोड़ इनका चार, और यहाँ लाकर इसकी गुणा कर दीजिए, रेस हो गई बीस में, चार पंजे बीस, पाँच ते पंद्रह एकम पंद्रह, पंद्रह दिनों में दोनों मिलकर काम समाप्त करेंगे, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 78। देखो सब जगह इक्वल टू इक्वल लगता है, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचता, क्योंकि मैं बार बार नहीं बता पाता आपको, बट ये आपके लिए लिख रखा है मैंने, सारे क्वेश्चन चाहे वो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड हो, कोई भी हो, सब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन इसी से होंगे। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78। ए बी की तुलना में दुगुना तेजी से कार्य करता है, ए बी की तुलना में ए बी से दुगुना तेजी से कार्य करता है, मतलब इफिशेंसी हो गई है, ए और बी की इफिशेंसी हो गई। ए और सी एक साथ बी की तुलना में, ए और सी एक साथ बी की तुलना में तीन गुना तेजी से कार्य करते हैं। देखिए बी यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, सी ए यहाँ दो है तो ए यहाँ भी दो और सी एक हो जाएगा यहाँ, क्लियर। ए बी सी तीनों मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में करते हैं, देखिए ए बी सी तीनों मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में करते हैं, तो यहाँ पर टोटल काम देखेंगे कितना यूनिट काम है, तीनों की यहाँ एफिशिएंसी चार हैं, चार से गुणा, क्योंकि ए सी की तीन बी की एक चार, तो टोटल वर्क आ जाएगा हमारा कितना है, टोटल वर्क 30 चौका 120 यूनिट कार्य है। अब देखिए तीनों उसे प्रत्येक कितने कितने समय में करेंगे, अगर ए की बात करें तो 120 कार्य है टोटल, और ए की एफिशिएंसी दो है, दो से इसे भाग करेंगे 60 दिनों में करेगा। अब बात करें अगर बी की, तो टोटल कार्य 120 है, बी की एफिशिएंसी एक है, इसे 120 दिनों में करेगा बी। और अगर बात करें सी की, टोटल कार्य 120 यूनिट है और सी एक दिन में एक यूनिट करता है, तो 120 दिन लगेंगे। तो लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया है, ए ने 60 दिन, बी और सी ने 120 दिन काम किया, ये वाला ऑप्शन हमारा राइट है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देख लीजिए आप चेक कर।